ये हमारा रूट मैप है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। फिर फर्स्ट डे हम रोड हेड से स्टार्ट किया, तो हम लोग विले से 25 किलोमीटर से दूर ऐसे माउंटेन के बीच में रास्ता क्रॉस किया, और उसी के बीच में था ये स्केटिंग ग्राउंड देखा, जहाँ पे आइस स्केटिंग होती है। ये नेशनल ग्राउंड है, बिल्कुल पहुंचने वाले ही हैं। ये हमने रिवर क्रॉस किया है यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट वाला था जब हमने ऑलमोस्ट स्टार्ट ही किया था, तो स्टार्ट करने के बाद भी ही पहला स्टेप था ये, जब हम लोग ऐसे क्रॉस करके निकले थे नदी को, क्योंकि दूसरी साइड रूट नहीं था। और ये हमारा रेस्ट टाइम था यहाँ पे, तो रेस्ट टाइम के ड्यूरेशन में हमने ये वीडियो बनाई थी। तो जो रिवर बह रही है उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट -60 के आसपास है, और ऐसे ये घिसते घिसते आ रहे हैं मेरे बैचमेट। बहुत ही सुंदर थी, मतलब जब हम लोग कर रहे थे तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि सच में ऐसी ऐसे ब्यूटीफुल प्लेस भी इंडिया में हो सकते हैं, बट बहुत ही। और ये हमारा फर्स्ट डे था तो बहुत ही ठंड लग रही थी उससे, -23 टेम्परेचर था। तो ये फर्स्ट बोनफायर था हमारा, उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्टिंग में मूव ऑन किया ब्रेकफास्ट करने के बाद में, और ये हमने चलना ही सीखा था। ये हमारी बहुत ही सुंदर, सच में ब्लू वाटर बहुत बहुत सुंदर। अगर रिवर की साउंड भी अगर आप सुनोगे तो बहुत स्केरी थी, और उस टाइम ऐसे लग रहा था कि रिवर की साउंड, और हम लोग स्लाइड करके चल रहे हैं -23 डिग्री में, बहुत ही सुंदर था। और बहुत ही ठंड, मतलब अगर कुछ ये नदी का पानी अगर थोड़ा सा भी बाहर रख दो
तो एकदम से ड्रॉप बन के हमारे कपड़ों पे गिर रहा था, तो वो एकदम से जम रहा था। बट मज़ा आया था, बहुत बहुत ही सुंदर और उतने ही डेंजर। बैच बहुत अच्छा था, एक दूसरे के साथ इतना कोऑपरेट करके चल रहा था। और ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे हमें दिख ही नहीं रहा था कि ये हम नदी के ऊपर है, पूरी तरीके से यहाँ पे जमी हुई थी वो। बहुत बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में हम लोग नीचे चल रहे थे उसके ऊपर, और साइड में ब्लू वाटर। लाइफ टाइम मेमोरी, लाइफ टाइम जर्नी। और दोस्त ये वापसी की हमारी कुछ फोटो हैं। आप पूरे मेरे फेस स्वेलिंग आ गई थी उस टाइम, माइनस फर्स्ट टाइम था जब मैं -30 में गई थी। और ये फर्स्ट डे की फ़ोटो, ये लास्ट डे की, ये जब हम लोग वापसी आ रहे थे तो ये हमारा लास्ट दिन था। बहुत इंजॉय किया था हमने, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। खूबसूरत के साथ साथ में उतना ही डेंजर और बहुत अच्छा चैलेंज वाला ट्रैक है, इतना खूबसूरत आप बिलीव नहीं कर सकते। मेरे पास वर्ड नहीं है इस खूबसूरती को बयान करने के लिए। ऐसी एक एक चीज़ इतनी अच्छी, हर 2 सेकंड के बाद आप इमेजिन कर सकते हो कि आपको क्या देखने का मिलेगा। हर 2 मिनट में अगर रिवर के बीच में कोई भी टर्न आ रहा है तो वो बहुत सुंदर, मतलब जैसे कि आप देख ही रहे हो कि पहाड़ों के बीच में बिल्कुल वाइट एक चादर सी बिछी की है, और वहाँ पे ऐसे कलरफुल चीज़ें। हाँ, ये चॉकलेट किटकैट ब्रेड तो बनता है ना भाई, इसको हम बोतल बोल लेते थे। ये जैसे ही फटाफट खाना बनता था हमें मिल जाया करता था, क्योंकि सडनली टेम्परेचर इतना डाउन था, इतना डाउन होने के बाद में ठंडा खाना खाना पड़ता तो वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह वो हार्ड हो जाता, तो इसलिए हमें जैसे ही कुकर स्टोव से नीचे निकलता था और हमें खाना मिल जाता था। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, मैं हर किसी से कहूँगी कि आपको एक बार चादर ट्रैक ज़रूर जाना चाहिए अगर आप ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं तो। अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो अपनी विश लिस्ट में चादर ट्रैक को डाल सकते हो, क्योंकि लेह लद्दाख वैसे ही बहुत खूबसूरत है, बट चादर जब भीग जाती है स्नो की तो उसके बाद और भी खूबसूरत हो जाता है लेह पैलेस। ये हम लोग एक दिन मार्केट गए थे तो मार्केट की कुछ फ़ोटो हैं, और ये हम लोग वापस ले पहुंचने वाले थे, और उन बिट में जब हम लोग वापस आ रहे थे तो हमें ऐसा कुछ देखने को मिला जो आपके सामने है। बहुत खूबसूरत, हर माउंटेन के ऊपर एक चादर बिछ चुकी थी स्नो की। शांति स्तूपा की कुछ फोटो हैं ये। शांति स्तूपा भी ऐसे स्नो में पूरा डर गया था, बादलों के बीच में जो ये सब आप देख रहे हो, मतलब ऐसा लगता है जन्नत है तो बस। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप जर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। Thank you.